दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गस्तो स्विफ्ट की स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने मैच $10 से स्टार्ट करके $10 बिलियन की कंपनी को इस्टेब्लिश किया और ये वीडियो एक मोटिवेशनल बिजनेस स्टोरी होने वाली है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। गस्तो स्विफ्ट का जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ और उन्हें बचपन से ही चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उनमें एक चीज़ थी जो हर एक कामयाब इंसान में पाई जाती है और वो थी गट यानी हिम्मत। स्विफ्ट ने सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले स्विफ्ट ने अपना पैशन ढूंढा और उन्हें मीट ड्रेसिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो उन्होंने बाजार से एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लिया और उसकी बहुत अच्छे से ड्रेसिंग कर यानी उसे सजा दिया। मीलों दूर चलकर उन्होंने उस मीट के टुकड़े को बेचा और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न की। फिर वो शिकागो आ गए और वहाँ पे स्विफ्ट मीट पैकिंग नाम की कंपनी स्टार्ट की। पहले तो सोलो यानी अकेले काम करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनकी कंपनी बड़ी होती गई उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया और आज उनकी स्विफ्ट मीट पैकिंग कंपनी टॉप लीडिंग प्रोसेस मीट ब्रांड में से एक है। यहीं से उनके सक्सेस का फॉर्मूला शुरू हो गया और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे जाके 12 जुलाई 2007 को उनकी स्विफ्ट मीट पैकिंग कंपनी को JBS फूड प्रोसेसिंग कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और आज उस कंपनी का टोटल इवेल्यूएशन है $14 बिलियन यानी तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे स्विफ्ट ने बस $10 के एक मीट के टुकड़े से $1.5 बिलियन की कंपनी को खड़ी किया और बाद में वही कंपनी आज $14 बिलियन की कंपनी है। और अगर आपको इस इंस्पिरेशनल वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।